उन्होंने मना करा चेक करना, मैंने नहीं करा। अब सीधे चलते हैं अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है और जो मेरा ब्लॉग है, आई एम सॉरी मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ रहे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा किस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था और जिससे मैं अपना ब्लॉग वगैरह बनाता था और वो मेरा फ़ोन खो चुका था, इसलिए मैं अपना ब्लॉग वगैरह डेली अपडेट नहीं कर पा रहा था, ना अपना इंस्टाग्राम पर इतना एक्टिव आ पा रहा था, ना कोई पोस्ट वगैरह डाल पा रहा था। अब सारी बातों को इग्नोर करो, अब सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आज का जो टॉपिक है और जो आज का मेरा ब्लॉग है। अभी अभी जस्ट मैं सोकर उठा हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश वगैरह हुआ हूँ और मैंने कुछ ऐसा आउटफिट डाला हुआ है। मैं फ़िलहाल अपने घर पर हूँ और टाइम हो रहा है सुबह के, देखो आप देख सकते हो 10:30 बज रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है 10:30। मैं अपने घर पर हूँ और फ़िलहाल मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैंने अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा, सीधा नहाया धोया फ्रेश वगैरह हुआ और अपना ट्राईपॉड उठाया और अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। सो गाइस, आज का जो कंटेंट है, आज का जो हमारा ब्लॉग है, अभी मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी मेरा फ्रेंड आता है, फिर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं पूरे दिन में। सो गाइस, वैसे आज मेरे दिमाग में एक प्लान आया तो मैंने सोचा क्यों ना हम बंगला साहब गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ जाके वीडियो वगैरह बनाएंगे और घूमेंगे वहाँ पर। जो जो कुछ भी होगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और नोट करेंगे क्या क्या होगा और क्या करते हुए जाएंगे क्या नहीं। सो जब तक के लिए बाय, लेट्स गो। मेरा फ्रेंड मेरे को आवाज़ दे रहा है, सो पहले उसको मिल लेते हैं। हाँ, सो गाइस, मेरा फ्रेंड आ चुका है जिसका मैं वेट कर रहा था, बाहर खड़ा हुआ है, ये आ चुका है। आ रहा हूँ, एक मिनट, शूज़ पहन लो जरा अपने। ओए, सो गाइस, मेरा फ्रेंड आ चुका है, मैं अपने शूज़ वगैरह पहन के सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो मेरे शूज़ मैंने अपने ले लिए, सो पहले शूज़ वगैरह पहन लेते हैं जल्दी से। सो गाइस, फाइनली मैंने शूज़ वगैरह अपने पहन चुके हैं। सो गाइस, सुबह से मैंने कुछ नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा, तो सुहेल भाई ने भी ये फ्रूट वो ये लेकर आए हैं ब्रेड वगैरह खाने के लिए। सो जब तक के लिए बाय। 2000 years later. दिल्ली से यहाँ से कनॉट प्लेस के लिए 100 rupees का ऑटो कराई सुहेल भाई, ये देखो कैसे डेड पड़े हुए। सो गाइस, अब सीधे चलते हैं, जब तक के लिए बाय, देखते हैं रास्ते में क्या करते जाएंगे, लेट्स गो। भाई पुलिस वाले घूम रहे हैं, ये देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं नकली। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बगला साहिब गुरुद्वारे और हम उसके मेन गेट पर खड़े हैं। सो सीधा चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या करेंगे, जब तक के लिए बाय, लेट्स गो। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए। गाइस, अभी हम यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह जमा कराएंगे फिर उसके बाद ऊपर घूमने जाएंगे। सो अभी यहाँ पर आप सामने से हम टोकन वगैरह ले लेते हैं अपने शूज़ वगैरह देकर। सुहेल भाई इधर आ जाओ, हमें यहीं उतार लो ना, उतार लो इधर ही। सो गाइस, मैंने तो अपने शूज़ वगैरह उतार दिए हैं, डीजे किए हैं और एक और वो दे रहे दे दे यार जल्दी। हाँ बस यही तो है, सुबह ओपन आने वाला, फिर हम जाएंगे ऊपर और एक्सप्लोर करेंगे हर जगह चलकर। जब तक के लिए बाय।
बहुत होंगी ना। हाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं इधर बड़ी बड़ी। सो गाइस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे वो ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए मना कर रहे हैं, वीडियो वगैरह फोटो वगैरह खींचने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर मत खींचो, ये वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। सो हमसे जितना हो सका मैंने उतना करा। सो चलते हैं सीधा आगे, सब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सीधे जब तक के लिए भाई आओ, चलते चलते बात करते हैं। आओ आओ भाई आओ ना, खड़े हो चलते हैं। सो गाइस अभी हम दोनों बाहर आ चुके हैं, सुहेल भाई और मैं, और ये अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ कि चल रहे हैं अंदर, लंगर वंगर खा कर आते हैं, मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, शर्म आ रही है। अरे भाई चलो ना, इतनी दूर आए हैं यार, गुरुद्वारे में कम से कम लंगर तो खा के चलेंगे यार। देख रहे हो कैसी बातें कर रहा है, बताओ ना सुहेल भाई, चलो ना यार। यार खाने पीने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, पता तुम्हारे को यार। हाँ यार अब क्या करें बताओगे, हाँ क्या करें, अब नीचे चले अपने टोकन ले, शूज वूज पहने या फिर चले अंदर घूमने। चलो चलते हैं अपने यहाँ से, अपने टोकन वगैरह लेते हैं, अपने शूज वगैरह पहन के फिर बाहर निकलेंगे और फिर देखेंगे और क्या है। सो इधर है वो टोकन वाला। सो फिलहाल अपने शूज वगैरह जल्दी से लेके पहन लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे। जब तक के लिए काफ़ी भीड़ हो रही है आपकी, बट कोई बात नहीं, कोई हवा कला हो रहा है काफ़ी अच्छा, और मेरे बाल उड़ रहे हैं ऊपर, सुहेल पीछे से वो ले रहा है शूज, वो मेरे शूज आ रहे हैं। मैं अपने ट्राईपॉड लाना भूल गया था और ऐसे शूज़ पहनने पड़ रहे हैं। सो भाई मैंने तो फटाफट से अपने शूज़ पहन लिए हैं, पर सुहेल भाई देखो अभी बेंच पे बैठ के पहनने हैं, ये अपने शूज़ नहीं पहन पाए। सो जल्दी से शूज़ वगैरह पहन लो, सो सीधे चलते हैं निकलने के लिए भाई, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है तो लोग बात देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ से पता नहीं यहाँ से कौन पीछे वाला रास्ता है, इधर से हम पीछे से जा रहे हैं, तो हम उस साइड से थे ना, तो क्या हुआ हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी रास्ता है जाने के लिए बाहर। सो चलते हैं और देखते हैं, अभी फिलहाल अभी हम बाहर इधर चलते हैं क्या, आओ इधर सीधा चलते हैं, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मजा आया भाई, बहुत मजा आ गया है। तुम फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? यहाँ मैं सेकंड टाइम आया हूँ, पर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो आज मैं अपने घर पर बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक ब्लॉग ही बना लिया जाए, बहुत टाइम हो गया, मैंने काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो वगैरह नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सुहेल भाई को एक अच्छी सी जगह पर घुमा लिया जाए। और यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाना चाहता था क्योंकि इस जगह पर जोरावर भाई ने ब्लॉग बनाया था, तो मैं उनको देखकर मैं भी ब्लॉग बनाना चाहता था। सो गाइस अब चलते हैं सीधा, नहीं अब हमने पहन के आ गए तो कोई बात नहीं, पहन लो अब, नहीं यहाँ पे दे दो ना यहीं पे, नहीं अब हमने बाहर पहन लिया कोई बात नहीं, अब चलते हैं सीधा, अब देखते हैं हमारे पास क्या है करने को क्या नहीं। हम गुरुद्वारे से तो बाहर निकल कर आ चुके हैं, सो सीधा अभी देखते हैं, जब तक के लिए भाई लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे एक मार्केट वगैरह लगी हुई है, मतलब यहाँ से कुछ भी आपको चीज़ कोई पसंद आ रही हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे मतलब कड़े वगैरह बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, चैन वगैरह जिन किसी को जिस किसी को शौक है ऐसी सब चीज़ें पहनने ओढ़ने का वो ले सकता है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कड़े वगैरह, और तुम्हें लेना है कुछ नहीं लेना तो चलो फिर।
बगला साहब गुरुद्वारे से बाहर घूम कर आ चुके हैं और क्या नाम है अंदर हमारे से जितना मेरे से कोशिश हो चुकी उतनी मैंने करी, क्योंकि मेरे को वो अंदर वीडियो वगैरह नहीं बनाने दे रहे थे और ना अच्छे से मेरे को एक्सप्लोर करने दिया, ना हमने उस चक्कर में ना हम लंगर भी नहीं करा, सुहेल भाई ने लंगर भी नहीं करा ना मैंने करा, मेरा बहुत मन था गाइस लंगर करने का पर इन्होंने मना करा इस चक्कर में मैंने नहीं करा। अब सीधे चलते हैं अभी यहाँ से, हमारे को क्या नाम है अपने लिए ऑटो जो भी मिलेगा उससे बैठ के जाना है और सीधा देखेंगे रास्ते में क्या करते क्या क्या करते जाएंगे और क्या नहीं। पूरा 2 बज रहे हैं तो सीधे चलते हैं और देखते हैं। मैंने फिलहाल अभी कुछ भी नहीं खाया, सुबह का वो एक ही ब्रेड खाया हुआ है जो इनके साथ खाया था, तो चलते हैं सीधा जब तक के लिए बाय लेट्स गो। सो गाइस हम बंगला साहिब गुरुद्वारे से बाहर निकल कर आए थे तो उससे थोड़ा सा जैसे आगे चल कर आए यहाँ पर मेरे को एक शोरूम दिखा, उस शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई थी काफ़ी अच्छी लग रही थी फरारी रेड कलर की। सो आपको दिखाता हूँ, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, आइए आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये वो फाइनली मैं अपने घर पर आ चुका हूँ और मेरा फ्रेंड जो था वो भी अपने घर पर चला गया और मतलब खाने पीने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें थी पर मैंने खुद अपने मन से नहीं खाया कुछ भी, क्योंकि मेरे घर पर आज मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बनी थी इसलिए आज मैं पूरे दिन भूखा रहा। जिस दिन मैं ब्लॉगिंग करने के लिए निकल जाता हूँ उस दिन मैं पूरे दिन कुछ नहीं खा पाता, मेरे पेट में सुबह से कुछ नहीं गया, सिर्फ एक ब्रेड खाया था वो भी वहाँ पर और उसके बाद जब से मैंने कुछ नहीं खाया। सो अब आज मेरे घर पर मेरी फेवरेट डिश बनी है, सो अभी मैं खाऊँगा उसके बाद ब्लॉग एंड करूँगा। सो देखते हैं फेवरेट डिश क्या है, जब तक के लिए बाय। मेरी जो फेवरेट डिश है ये वो वाइट राइस है और ये क्या नाम है आलू और ये राजमा मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और 2 चपाती साथ में। सो मैं जल्दी से खा लेता हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जब तक के लिए बाय। सो गाइस फाइनली मैं अपना डिनर कर चुका हूँ, जो मेरी फेवरेट डिश थी वो मैंने खा ली है, काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी पर मैं खाते खाते बात नहीं कर सकता इसलिए मैंने बोला नहीं बिल्कुल भी, इसलिए बहुत ही अच्छी थी आपको मैं बता नहीं सकता। मेरी मम्मी के हाथों का बहुत ही अच्छा खाना होता है, आप खाओगे तो फ़ैन हो जाओगे उनके, जैसे कि मैं जोरावर भाई का फ़ैन, समझ गया है ना। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस जिस किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और एक बात और जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आईडी है littlezoraver_1 दैट्स इट। और क्या कहने वाला था मैं, हाँ और मैंने वहाँ पर कुछ अपनी पिक्स वगैरह खिंचवाई है, जिस किसी को मेरी पिक वगैरह देखनी हो जाके इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर ले और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाया करूँ, मुझे कंटेंट समझ वगैरह नहीं आते इसलिए मुझे
वीडियो में बताया करो कि मैं कैसे कंटेंट बनाऊं, और मुझे कमेंट करके बताओ, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी मेरी वीडियो नहीं आने से पहले आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और बस यही था मेरा ब्लॉग आज का, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो बाय, टेक केयर, पीस एंड लव, मिलते हैं नए ब्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, लेट्स गो।